24 घंटा पहले धू धू करके जल गया आसियाना, नहीं मिला अभी तक कोई लाभ। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, यह विजुअल अभी आप देख रहे हैं सुप्पी प्रखंड के कोठिया राय पंचायत वार्ड संख्या 5 बोकठा की है, जहां पर सिकंदर पासवान के घर धू धू करके जल चुकी है, नहीं मिला कोई सरकारी लाभ। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, मैं उसी स्थल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर घर जला हुआ है और यहाँ घर के परिवारों से मेरी मुलाकात हो रही है। बातचीत करने पर इन्होंने बताया कि अभी तक किसी प्रकार के कोई लाभ नहीं मिला है। बर्बाद हो गया, यही मैं सुते इतना लिखी। स्थल पर हैं यहाँ पे सुपी प्रखंड के कोठिया राय पंचायत कोठा में हूँ। कितना नंबर वार्ड है? 5 नंबर वार्ड कोठिया राय पंचायत में हूँ। यहाँ पर सिकंदर पासवान के घर में 24 घंटे पहले आग लगी। आखिर ये आग कैसे लगी है, पुष्टि करने के लिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बात करते हैं यहाँ के घर वाले से, जिनके घर में आग लगी है, ये आग कब और कैसे लगी। क्या नाम है आपका? पतिदेव का नाम सिकंदर पासवान। ये घर में जो आग लगी है कैसे लग गई? घर बिजली से लगी है। कै बजे लगभग कल? तेज बोलिए ना। 11 बजे। कैसे लगी है आग? ये बिजली सर्किट से लग गया। कोई देखा भी बिजली सर्किट से लगा कि आप? कैसे पता चला कि बिजली सही पर? उसमें कुछ दिया वगैरह भी रखे थे क्या? हम देखा नहीं। देखे आप घरे में थे? हाँ, जानी जात वाला रही, कोनो मर्द मासूम से ना रहे, लड़का से लेकर भागा ली। तब लड़का के समारू के उन लोग सके निकाल ली, तो हल्ला कैली रेल पर ना निकाले पर लगती इसमें। क्या क्या जल गया उसमें? अनाज जल गया, लेके चाउर जल गया। कोई माल जल के क्षति तो नहीं हुआ? ना आदमी माल जल ना से दुख ऐसे कपड़े लता निमन बजाय बाले बच्चे के सब जल गए। फिलहाल कोई लाभ मिला है आपको? ना, नहीं मिला अभी तक कोई लाभ। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? पिताजी का नाम? तो तुम्हारा ही घर था? कितना घर जला है बाबू? 4 है कि 3 है वहाँ पे? 4। गौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस गरीब का घर जो है धू धू करके जल रहा है, और जलने के बाद में जो प्रतिनिधि होते हैं प्रखंड लेवल पर, अधिकारी होते हैं, उन लोगों को थोड़ी सी इस पर रहम करनी चाहिए। फास्ट में जो लाभ होता है कम से कम दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अभी तक कोई लाभ नहीं।